जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति का बयान लगातार देखने को मिल रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति लगातार बयान तो दे रहे थे, लेकिन कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जैसा कि हम सभी और तमाम इस्लामिक देशों की तरफ से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। अकेला पड़ गया है फिलिस्तीन। बहुत कम ऐसे देश है जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास ताकत है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास अपना खुद का सेना है, अपनी हाईटेक हथियार है, उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा है? तो चलिए आपको बता दूं कि तुर्की की तरफ से जो राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी दे रहे थे, बयान दे देकर वो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीते दिनों एक बयान जो है तुर्की के राष्ट्रपति का खूब तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को जिंदा होने वाला जो कौम है वो कहते हुए नजर आए कि मुसलमानों जागो और जिंदा होने का सबूत पेश करो कि तुम जिंदा हो, आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ बोलो। इस तरीके का बयान तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि तुर्की में जो 100 साल का बैन लगा था वो बैन अब हट चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो बैन जो है वो अब हट चुका है। जो 100 साल के लिए तुर्की पर बैन, एक मोहर लगा दिया गया था कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, वो हट गया है। और जैसे ही ये बैन हटा है, उसके बाद तुर्की ने अपने सेना का जो बल है वो दिखाते हुए नजर आई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है उस वीडियो के आधार पर कि देखिए तुर्की का 100 साल हट गया है और वहां की सेना जो है, तुर्की की जो सेना है वो हवा में 100 साल लिखते हुए खुद को, जी हाँ 100 साल का जो एक सेना की तरफ से वो बनाया जा रहा है आंकड़ा, हवाई, जी हाँ हवाई आंकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें वो 100 साल मनाते हुए जश्न मना रहे हैं कि 100 साल पूरा हो गया है, अब उन पर से टोटल बैन जो है वो खत्म हो गया है और अपना कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन तुर्की की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए वाजिद खान जो है वो शेयर कर रहे हैं। वो दोनों वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से तुर्की में जो है आज जश्न का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और तो और 100 से ज्यादा टैंकरों के साथ तुर्की अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स कि देखिए तुर्की भी अब इस जंग में कूदता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहले दिन से तुर्की इस जंग में मौजूद था, लेकिन कोई हथियार वाला एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था कि हाँ फिलिस्तीन के साथ जो है उनकी जंग में, लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहा जाए, ऐसा कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 100 से ज्यादा टैंकरों के साथ जो है तुर्की के सेना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगी कि क्या ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है और किस तरीके से तुर्की में जो शक्ति दिखाया जा रहा है उस पर, और खासकर कहीं ना कहीं वो भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तुर्की अब इस जंग में शांत नहीं बैठने वाला है। जिस तरीके से ईरान नाक में दम कर बैठा है, वैसा ही नाक में दम करने की तैयारी तुर्की की तरफ से की जा रही है। वाजिद खान दोस्तों ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि तुर्की के इतिहास में पहली बार वोस्फोरस जल मरु मध्य में 100 युद्धपोत के साथ तुर्की जो है आगे बढ़ रहा है, यानी कि इस जंग में वो अपना जो जहाज है उसको, 100 से ज्यादा जहाज को लेकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जा रहा है कहीं ना कहीं इस युद्ध में वो जो है अपनी मौजूदगी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी वीडियो, जैसा कि आपको बताया मैंने कि 100 साल पूरे हो जाने के बाद तुर्की में जश्न का माहौल दिखाई दिया जा रहा है और हवाई शक्ति के जरिए वो इस जश्न को पूरी तरीके से तुर्की में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुले आसमान में वो उड़ान भर रहे हैं। और उड़ान ऐसा दोस्तों कि उस वीडियो, इस तस्वीर को आप देखकर लगेगा कि देखिए क्या ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से अपना शक्ति जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तमाम वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कभी लोग सही बोलते हैं, कभी गलत बोलते हैं, कभी क्या हो जाता है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई में ऐसे सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि गलत वीडियो का इम्पैक्ट क्या से क्या हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी गलत खबरों को, गलत वीडियो को आधार बनाते हुए स्टेटमेंट जारी कर दिया था और बाद में जो है उनको आकर
सफाई देनी पड़ी थी व्हाइट हाउस को। तो इसी तरीके से इस वक्त बहुत सारे वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि फलानी जगह का है, ये इस जगह का है, ये उस जगह का है। ऐसे ही एक वीडियो शेयर करते हुए वाजिद खान लिखते हैं कि तुर्की गणराज्य के 100 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। सशस्त्र बलों के वायु सैनिक आकाश की विशालता में 100 से ज्यादा जो है अपना शक्ति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 100 लिखकर अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी वीडियो इनकी तरफ से शेयर किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वाजिद खान की तरफ से लगातार इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को लेकर वीडियो शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। ये तमाम अपडेट जो है इनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है। अब कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या तुर्की जो है वो अब चुप बैठने वाला नहीं है, क्या तुर्की की तरफ से भी जंग ऐलान कर दिया गया है, क्या तुर्की भी अब इस जंग में पूरा हिस्सेदारी बनकर फिलिस्तीन का साथ देता हुआ नजर आएगा, हम्मास के साथ खड़ा होगा। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति पहले ही हम्मास को लेकर जो इसराइल की मांग थी आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, पहले ऐसे नेता, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो ये कहते हुए नजर आए कि वो हम्मास को आतंकवादी संगठन बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि हम्मास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला संगठन है। और यही आज तुर्की में भी देखने को मिल रहा है कि 100 से ज्यादा युद्धपोत पानी के जरिए, पानी वाले जहाज के जरिए कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।